कई महीनों बाद एक अच्छी सी वेब सीरीज देखने को मिली। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज आपको कई हद तक असुर जैसी फील देती है। वही स्पेशल वीडियो फिल्टर जिसे ध्यान से देखे बगैर सीन समझ में नहीं आता, और स्लो मोशन वाली सेंसेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक और स्ट्रांग स्क्रिप्ट आपको 30-40 मिनट वाले 8 एपिसोड्स कंप्लीट देखने को मजबूर करते हैं। फैक्चुअल और फिक्शनल के बीच वाले चोटी पर खड़े होकर ही ऐसी कहानियां बनते हैं, और राइटर कई बार ऑडियंस को लेकर फिक्टिशियस दुनिया में सैर करते हैं और हमें वो भी फैक्चुअल लगे। इसके लिए सच में दम चाहिए होता है, मानना पड़ेगा राइटर को भी। कहानी है नॉर्थ ईस्ट की कोई जगह की, जहां पुलिस का आला ऑफिसर अरूप, जो कि मुंबई में हफ्ते में 5-6 मर्डर्स को हैंडल करता था, वो जाकर 3 साल में 5 मर्डर भी नहीं होने वाला लोकेशन का चार्ज लेता है। पहले ही उनका इंट्रोडक्शन होता है पुलिस वाली लिपिका से और एक विक्टिम का भाई देव से। देव एक झाकरी है, झाकरी मतलब शमंस, लगभग खत्म हो गई ऐसी एक जाति जो ताजा मुर्दाओं के साथ दूसरी दुनिया में जाकर उनकी आत्माओं को एक नाव के सहारे पार लगाता है। देव ये कर पाता है एक ताबीज रूपी सुपर पावर के सहारे जो उसकी माँ ने मरते वक्त उसको दिया था, और इसके जरिए वो मुर्दों के साथ इस दुनिया में आखिरी घंटे में क्या क्या हुआ था वो सब जान सकता है। पुलिस वाला अरूप इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था पहले, पर एक केस के चलते ये बात जानने के बाद से ही वो देव का मुरीद बन जाता है, और इसके बाद वो हर केस में देव को अपने साथ हेल्प के लिए ले जाता है। अब है तो ये वेब सीरीज ही ना, हर कैरेक्टर के अपने अपने कहानियां भी होंगे। जैसे कि अरूप की, उसकी बीबी नीमा एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। इस बात को अरूप की बेटी परी अंदर से विश्वास ही नहीं कर पाती है। डिप्रेशन में भुगत रही परी पहले सीन में ही सुसाइड अटेम्प्ट करती दिखती है, जो कि आगे भी जारी रहता है, पर बचा लेता है देव। इसके बाद से ही दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और इनकी दोस्ती बढ़ती है अरूप के चलते, और दूसरी दुनिया में देव को सिर्फ परी के जरिए देख पाने के चलते। परी सोशली एंगेज होकर इस डिप्रेशन से बाहर होना चाहती है, पर कोई आवाज अपेरेंटली उसकी माँ नीमा की उसे हर बार पीछे खींचती है। इधर देव का स्पेशल पावर उससे लेने के फिराक में है यमानाडु और उसका चेला थापा, और जाहिर सी बात है ये विलेंस इस शक्ति के जरिए दुनिया का खराबी करना चाहते हैं। इसी प्लॉट को बेस करके कहानी आगे बढ़ती है। आगे क्या होता है, क्या यमानाडु देव की शक्ति को ले पाता है, क्या देव यमानाडु को ढूंढ के पुलिस के हवाले कर पाता है, क्या देव की शक्ति सही है या कोई और मनगढ़ंत कहानी है, परी की माँ के साथ आखिर हुआ क्या था, देव और परी का रिलेशन ही कहाँ तक जा पाता है, जानने के लिए आपको द लास्ट आवर देखनी होगी प्राइम वीडियो पर। यकीन कीजिए, हिप्नोटाइज होकर के दूसरी दुनिया की सैर करते करते आप कब इस सीरीज को खत्म कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। अरूप के कैरेक्टर में है संजय कपूर, जो कि इंटेंस लुक के साथ अच्छे लगते हैं। देव के कैरेक्टर में कर्मा तपका ने भी शानदार एक्टिंग की है, इस एक्टर को शायद मैंने पहली बार देखा। परी के किरदार में शायली कृष्ण और लिपिका का रोल में है शाहाना गोस्वामी। इधर नीमा के छोटे से कैरेक्टर में राइमा शेन ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। विलेंस के रोल छोटे हैं पर दमदार है, एक्टिंग में तो कोई कम नहीं लगे, जबकि सबसे बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग पर। और एक चीज जिस पर तवज्जो दी गई है वो है जिंदगी की ठहराव पर। इतनी बिजी दुनिया में इंसान के अंदर की पुकार को दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ड्रग्स का लेन देन भी बीच बीच में दिखाया गया है। वीडियो फिल्टर इफेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, जिसका साथ दिया है बैकग्राउंड म्यूजिक ने, मुर्दों की दुनिया में जाने के बाद भी जो कहानी को पूरी तरह से जिंदा कर देती है। जो कुछ बातें मुझे खटकी है उनमें सबसे पहले है लोकेशन। कहानी कौन सी स्टेट या किस शहर पर बेस्ड है वो क्लियर नहीं किया गया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कहा गया। और तो और गाड़ियों के नंबर प्लेट में NE से स्टार्टिंग नंबर्स दिखे, जो कि होता ही नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्सी से बचने के लिए किया गया, क्योंकि मजाक में ही सही इसमें सांप कुत्ते की आंख जैसी चीजें खाने के बारे में बताई गई है। लेकिन पहाड़ी लोकेशन, नेपाली लैंग्वेज, लोगों के और जगहों के मिलता जुलता नाम से लगता है कि ये कहानी सिक्किम की है। एक्सट्रीम मीठापन आ गया है पुलिस वालों के किरदार में, इतना मीठा भी पुलिस वाले होते हैं क्या, और कभी कभी कहानी खींचती दिखती है, हालांकि वेब सीरीज की दुनिया में ये जायज माना जाता है। ओवरऑल बात करें तो मेरी तरफ से इस सीरीज को जाती है 4 out of 5, और ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।